जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी फोर्स एकेडमी के प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सोमवार का दिन और तारीख है 26 दिसंबर। जी हाँ, इतिहास में ये तारीख बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं सेगमेंट शुरू करने से पहले आपको दो बातें बताना चाहूंगा कि आज 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह दशम गुरु के वो दो बेटे जो दीवारों में चुनवा दिए गए थे और चमकौर के युद्ध में उनके दो बेटे शहीद हुए, इसी उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री से देश ने आह्वान किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उन बच्चों की बहादुरी में जिन बच्चों ने देश और धर्म के लिए अपने प्राण नौछावर कर दिए लेकिन राष्ट्र का मान नहीं जाने दिया, राष्ट्र का सम्मान नहीं जाने दिया। तो आप भी सब उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर देश की सेवा में जा रहे हैं। आप सब लोगों को वीर बाल दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और ऐसे ही साहस और संघर्ष की इस श्रद्धांजलि को हम अपने दिल में बसाए रखें। तो आइए पांच के पंच में हम बात कर रहे हैं इस स्पेशल सेगमेंट की और हम लगातार आप लोगों के बीच में हर बार ये क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, ये मैंने कहा 2022 अटेम के हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और ये सितंबर अटेम की मैंने बात कही थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सारी सेगमेंट्स है। तो हम मैंने कुछ क्वेश्चन आपको देखो इसमें करवा दिए थे और ये 2021 का सितंबर अटेम है, याद रखिए ये वाला है ना, 2021 का सितंबर अटेम। तो हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में यानी कर लिए, तो ये हमारी 11th नंबर की क्लास है ना, पांच का पंचम 11th बार लगाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहां आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है पॉलिटी का वेटेज बढ़ा देते हैं। तो हमें जो तैयारी करना है वो बिल्कुल सिमिलर करना है, हमें ये नहीं करना कि पिछली बार एक दो क्वेश्चन आए तो हम छोड़ ही दे, याद रखना। तो नॉट ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि निम्नलिखित बताइए भारत के संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको जो बताना है वो नहीं बताना है, ठीक है। तो पहला कहना का इट प्रोवाइड सेट अ बेसिक रूल, यहां मूल नियमों का एक समुच्चय सेट प्रदान करता है, क्या एक बेसिक रूल होता है। इट स्पेसिफाई द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या यह भारत सरकार की शक्तियों को बताता है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये भारत का सबसे बड़ा कानून है क्या। यहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता को निर्दिष्ट करता है, यानी स्पेसिफाई द सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। अब आप पढ़ोगे तो आपको इसे पढ़ने में लगेगा कि हाँ यार ये सभी एक तरह से देखो तो सभी सही जा रहे हैं। तो लेकिन अब इसमें बेसिक देखो, देखो आपको जो क्वेश्चन समझना है कि नहीं पूछा है, नॉट नॉट में जाओगे तो यहां कह रहा है मूल नियमों का एक समुच्चय सेट है, लेकिन इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल नहीं है, ये बेसिक रूल नहीं है संविधान, याद रखिए। संविधान वो जो सुप्रीम लॉ वो जो स्पेशल, बेसिक रूल तो बाकी के बने हुए, तो ये बेसिक रूल नहीं होता, याद रखना। ये बाकी ये गवर्नमेंट की पावर को स्पेसिफाई करता है, सुपरमेसी है पूरे देश में, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट बताता है, लेकिन ये बेसिक रूल का वो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। मैंने कहा फिर क्या पूछ लिया आपसे कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो उसका बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। अभी रमणी साहब हमारे जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसके पहले के वेणुगोपाल थे, उसके पहले मुकुल रोहतांगी थे, भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो सरकार को एडवाइस करता है। देखते हैं, ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ये कह रहा है कि उसे सिर्फ केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। ही शैल रिसीव सच रेमोनरेशन एंड प्रेसिडेंट मेडिटर डिटरमिनाइंग। रेमोनरेशन का मतलब होता है परिश्रमिक, मतलब सैलरी अलाउंसेस, वो जो भी उसको राष्ट्रपति तय करेगा वही मिलेगी क्या। इट शैल बी क्वालिफाइड टू द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता के जो उसके पास अगर है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता अगर है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। ही शैल गिव एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर, क्या वो भारत सरकार को सभी लीगल मैटर पर एडवाइस करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है गलत बताना है, क्या बताना है, गलत बताना है। अब देखो यहां पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से आप क्वालिफाई देख तो बिल्कुल सही है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन यहां क्या लिखा रहा है, सिर्फ ऑडियंस ऑनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं, वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाके ऑडियंस कर सकता है, याद रखिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत, और गलत ही क्या हो जाएगा यहां का सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब करता है।
जो राष्ट्रपति है उसकी सैलरी वगैरह तय करेगा वो बिल्कुल रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफाई रखता है और वो सरकार को लीगल मैटर पे एडवाइस देता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सही नहीं, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ऑडियंस का अधिकार नहीं है, वो भारत के किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई देख सकता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये पूछा है कि जो डीपीएसपी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 है ना, पार्ट 4 में आते हैं, किसमें आते हैं, पार्ट 4 में, किसने इनको नोबल फीचर कहा था, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा? पंडित नेहरू जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, एस एन मुखर्जी साहब ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। जब हम पढ़ते हैं डीपीएसपी सब्जेक्ट तो बाकायदा वहां लिखा द नोबल फीचर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हां, इसका आंसर हो जाएगा डी आर। तो बी आर अंबेडकर साहब ने नोवेल फीचर मतलब कहा था कि बहुत अनूठी विशेषता, हम कभी भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में ज्यादा बड़े नहीं करते, एक दूसरे के समानार्थी होते, इसलिए नोवेल फीचर्स है। आंसर हो जाएगा आपका डी बच्चों। नेक्स्ट, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 इज आर करेक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में लिखे उनमें से कौन से कथन सही है? आपको बताया 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल शुरू हो जाता है। तो भारत में काउंसिल बनी और काउंसिल में 1861 में पहला लॉ बनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम काउंसिल की सदस्यता बढ़ा देंगे, भारतीयों को रखेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें कही उन्होंने। तो देखते स्टेटमेंट कौन सा है इस कानून, इसमें देख लेते, इट लार्ज द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ। गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाने के लिए इन्होंने राज्य परिषद का जो विस्तार था, जो काउंसिल का विस्तार किया, बिल्कुल सही है। द गवर्नर जनरल वॉज नॉट अथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, और यहां कहा गया कि गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। एक तरफ तो आप बढ़ा रहे हो और कह रहे हो नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ ए सही रहेगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। जी हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट में बात बड़ी अच्छे से कही गई थी कि आप कानून बनाने के लिए सदस्य बिल्कुल जोड़े जाएंगे और वो जोड़ने का अधिकार जो था गवर्नर जनरल को था, जिसको हमने वाइसरॉय कहा था। तो इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तत्व बोधिनी पत्रिका। जी हाँ, आप जानते तत्व बोधिनी पत्रिका बहुत फेमस थी, एक सभा भी बनी थी तत्व बोधिनी सभा, पढ़ा होगा देवेंद्रनाथ टैगोर और ये। तो ये जो है 1843, 16 अगस्त की बात है 1843, अशोक कुमार दत्त ने इनको पहली बार पब्लिश किया था 1843 में। किसने किया था? अशोक कुमार दत्त। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर वगैरह ये सब जो रविनाथ टैगोर की फैमिली से थे ये सब इन्होंने इनमें साथ दिया। तो पूछा है कि क्या स्टेटमेंट सही है। इट प्रमोटेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिया इज द पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज के ऊपर इसने बांग्ला भाषा में प्राचीन भारत के व्यक्तित्व अध्ययन को प्रोत्साहित किया, मतलब पुराने इतिहास वगैरह को इनको बताया बंगाली भाषा में। इट प्रमोटेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट थ्रू संस्कृत सोर्स। क्या इन्होंने संस्कृत सोर्स के बारे में बताया? इट प्रमोटेड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट थ्रू पर्शियन सोर्स। क्या उन्होंने भारत के कल्चर को फारसी स्रोत में बताया? इट प्रमोटेड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट थ्रू वेस्टर्न सोर्स। क्या उन्होंने पश्चिमी स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत व्यवस्था के अध्ययन को प्रोत्साहित किया? पढ़ने में बड़ा टफ लगे, लेकिन आप ये इतना सा ध्यान रख लीजिए, इतना सा दिमाग लगाना कि ये पत्रिका कौन सी भाषा में छपती थी, बस वही आंसर है। तो तत्व बोधिना जो है बंगाल में छपती थी, छापने वाले बंगाली है, तो भाषा भी कौन सी होगी? बंगाली। तो ना यहाँ संस्कृत आएगा, ना पर्शियन आएगा, ना वेस्टर्न सोर्स मतलब इंग्लिश आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कई बार हमें ज्यादा दिमाग ना लगा के कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो कई बार आपके आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पांच के पंच के आज के पांच क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब देखो ये यहां पर हमने पढ़ा, अगले फिर हम पढ़ेंगे तो इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री सब, अब आने वाले क्वेश्चन में हिस्ट्री ज्यादा रहेगा। तो 2021 के सेगमेंट्स में पांच के पंच में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।